आखिरी दिन आखिरी सत्र पूर्णाहुति, तो जो कुछ भी रहा होगा पूर्णाहुति कर देना आज। ओम शांति। ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता कैसे बने, ब्रह्मा बाबा हमारे सामने रोल मॉडल के रूप में प्रत्यक्ष हैं। ज्ञान के सागर परमात्मा ने इतना उच्च कोटि का ज्ञान दिया है, उस ज्ञान का बाबा ने स्वरूप बनकर दिखाया है, जीवन में उतारा है और हमारे लिए बहुत सरल किया है, क्योंकि हम सभी का लक्ष्य है बाप समान फरिश्ता स्थिति अनुभव करना। ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। जब तक हम फरिश्ता नहीं बनते हैं तब तक देवता नहीं बन सकते हैं। इसलिए हमारे पुरुषार्थी जीवन का लक्ष्य है संपूर्ण फरिश्ता स्थिति की अनुभूति बढ़ाना। फरिश्ता जो शब्द है, फरिश्ता जब उसका उच्चारण करते हैं तो मानस पटल पर दिव्यता के भाव उभरने लगते हैं। तो ये जो फरिश्ता शब्द है इसका अगर संदेह निग्रह हम करते हैं तो ये पांच शब्दों से बना हुआ है। फ र ए श ता, फरिश्ता। तो इसमें पांच विशेषताएं छिपी हैं। फ अर्थात जो हमेशा फर्श से परे रहता है, फरिश्ता हमेशा उड़ता हुआ दिखाते हैं, उसके पैर कभी भी धरती से टच किए हुए नहीं दिखाते हैं। तो फ अर्थात फर्श से परे अर्शवासी बनकर रहने वाला। र र अर्थात जिसमें बहुत रॉयल्टी होती है, इसलिए कहते हैं हाल हमारा खुश हो और चाल हमारी फरिश्ते जैसी हो। तो हर एक्टिविटीज में रॉयल्टी छलकती है। ई अर्थात ईमानदार, स्वयं से ईमानदार, परिवार से ईमानदार और यज्ञ से ईमानदार। दुनिया में कोई किसी को थोड़ा सा ठगता है तो कहते हैं ये बेईमानी करता है। तो स्वयं को आत्मा के बजाय देह समझना स्वयं को ठगना है। तो ईमानदार अर्थात सत्य स्वरूप में टिकना, असली स्वरूप में टिकना।
और परिवार के साथ भी व्यवहार में ईमानदार और यज्ञ से भी ईमानदार। श अर्थात शक्तियों के खजानों से भरपूर रहने वाला, क्योंकि आगे चलकर आत्माएं हमारे से शांति चाहेंगे या शक्ति चाहेंगे। रोटी कपड़ा मकान कोई नहीं चाहेगा, हमें दो घड़ी की शांति चाहिए, दो घड़ी की शक्ति चाहिए बस। तो जो फरिश्ता होता है वो शक्तियों के खजाने से भरपूर रहता है, और त अर्थात हमेशा तत्पर रहने वाला, एवर रेडी रहने वाला। जैसे ऑर्डर मिल गई उड़ते हुए गए और मनुष्य आत्माओं को सल्वेशन आर्मी बनकर सल्वेशन देते रहे। ता अर्थात तारने वाला, अपनी जीवन रूपी नैया के साथ अनेकों की जीवन रूपी नैया तारने लगा, पार लगाने वाला। तो कहने का भाव है ये पांच विशेषताएं हमारे जीवन में जैसे जैसे बढ़ती जाती हैं हमारी फरिश्ता स्थिति निखरने लगती है। हमारा लक्ष्य क्या है? संपूर्ण फरिश्ता स्थिति अनुभव करना। केवल फरिश्ता नहीं, संपूर्ण फरिश्ता स्थिति अनुभव करना। तो ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए जो ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ किया है, उस पुरुषार्थ को हमें जीवन में लाना है, उनके कदमों पर कदम रखना है, कॉपी करना है उनके। दूसरी यूनिवर्सिटी में कॉपी करने की मना है और इस यूनिवर्सिटी में कॉपी करने की खुली छुट्टी है, बल्कि जो अच्छी कॉपी करेगा उसको इनाम मिलता है। देखो भाई, है ना? तो हमें ब्रह्मा बाबा की फोटो कॉपी बनना है। जैसे प्रकाश मणि दादी अन्य दादियां बनी, ऐसे हमको भी बनना है। तो ये हमारी आंतरिक श्रेष्ठ स्थिति का गायन है, रहना इसी शरीर में, लेकिन आंतरिक स्थिति हमें इतनी श्रेष्ठ, इतनी ऊंची, इतनी महान बनाना है। उसके लिए हमें पांच बातों पर दिल से अभ्यास करना जरूरी है। उन पांच बातों पर अभ्यास करेंगे तो गारंटी है आपकी फरिश्ता स्थिति निखरती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी। पहली बात, फरिश्ता स्थिति का अनुभव बढ़ाने के लिए फरिश्तों की जो दुनिया है उसका स्पष्ट ज्ञान हमारे पास होना जरूरी है। न केवल ज्ञान होना जरूरी है, लेकिन फरिश्तों की दुनिया में जाकर रहने का अनुभव भी हमें बढ़ाना है। हमारा अभी वर्तमान समय घर कौन सा है? हैं जी, कौन सा है बोलो ना। टाइटल लेके घूमते हैं, ब्रह्मा कुमार फलाना, ब्रह्मा कुमारी फलानी। बाप कौन हो गया? ब्रह्मा। तो जहां मेरा बाप ब्रह्मा रहता है वो मेरा घर कहलाता है, सूक्ष्म वतन।
तो उसका ज्ञान भी हमारे पास स्पष्ट हो और उसका अनुभव भी स्पष्ट हो। तो 91 में मैंने गुलजार दादी जी का इंटरव्यू, ये जो हिस्ट्री हॉल है उनके पीछे उनका रूम था, उस रूम में दादी जी के पास बैठकर उनका इंटरव्यू लिया 91 में। उनसे पूछा आखिर भी वो फरिश्तों की दुनिया कैसी है वो मुझे बताइए, और आपके तन में बाबा की पधरामणि कैसी होती है वो भी स्पष्ट कीजिए। तो दादी जी ने सारी बातें मुझे बताई और मैंने उसको आर्टिकल में सारा स्पष्ट किया। आर्टिकल का टाइटल था हृदय को मोहित करने वाली दादी हृदय मोहिनी। तो दादी जी ने बताया था ये जो पांच तत्व हैं, इन पांच तत्वों से परे एक ऐसी दुनिया है जहां हमेशा सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश प्रकाश रहता है। जैसे पूर्णिमा के दिन पूर्णिमा का चंद्रमा आसमान में रहता है, सारे धरती को श्वेत प्रकाश से जगमगाता है, ऐसे हजारों पूर्णिमा के चंद्रमा का प्रकाश उस वतन में सदा रहता है। ठीक है, वहां की जो भाषा होती है वो नैनों के इशारे की और होठों के मोमेंट्स की होती है। जब संदेशी बहन वतन में जाती है बाबा से कैसे बातें करती है, नैनों के इशारे से और होठों के मोमेंट्स के माध्यम से करती है। वहां की कारोबार कैसी चलती है, संकल्प शक्ति के माध्यम से वहां के कारोबार चलती है। जब संदेशी बहन जाती है बाबा को कोई भी दर्श इमर्ज करना होता है, एक सेकंड में संकल्प शक्ति के आधार पर उसको इमर्ज करते हैं और उसको प्रैक्टिकल अनुभव कराते हैं, और उसके द्वारा हम बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ मैसेज भेजते हैं। अब मजे की बात यह है, जब से हमारा अलौकिक जन्म होता है उस दिन से सूक्ष्म वतन में हमारा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप बाबा के पास रहता है। बाबा क्या देखते हैं, ये जो संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप है और ये पुरुषार्थ स्वरूप है, तो पुरुषार्थ स्वरूप की स्पीड से संपूर्णता की ओर आगे बढ़ रहा है वो बाबा देखते हैं। जब ब्रह्मा बाबा मधुबन में थे उन दिनों की बात है, एक दिन संदेशी बहन वतन में गई तो उसने वहां लाइट का ब्रह्मा बाबा देखा तो वो चौंक गई, बाबा तो मधुबन में है, ये दूसरा बाबा कहां से आ गया। तो उसने नीचे आकर ब्रह्मा बाबा को बताया तो ब्रह्मा बाबा के भी समझ में नहीं आवे, बाबा ने दूसरी बार भेजा तो तीसरी बार भेजा, फिर शिव बाबा ने राज स्पष्ट किया ये है पुरुषार्थ ब्रह्मा बाबा और वो है संपूर्ण ब्रह्मा बाबा। जब पुरुषार्थ ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बन गए उसके बाद एक संपूर्ण ब्रह्मा बाबा उस वतन में सदा रहते हैं। तो ऐसा हमारा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप वतन में सदा रहता है। तो हमें सूक्ष्म वतन में बार बार जाना है बुद्धि से और उस वतन पर अपना अधिकार बढ़ाना है, घर है ना मेरा। तो बाबा के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति हमें सूक्ष्म वतन में करना है और बाबा के साथ मिलन भी सूक्ष्म वतन में करने का अभ्यास बढ़ाना है, उसको यूज करना है।
क्योंकि हम अभी रिटर्न जर्नी पर हैं। यहां से हमारी बुद्धि सूक्ष्म वतन की ओर जाती है, सूक्ष्म वतन से परम धाम की ओर जाती है। दूसरी बात, फरिश्ता स्थिति की अनुभूति को बढ़ाने के लिए इस शरीर रूपी मकान में आत्मा की लाइट सदा जलती रहे, कभी भी वो न बुझे। क्योंकि फरिश्ता अर्थात दिव्य प्रकाश पुंज का शरीरधारी, लाइट का शरीरधारी, तो आत्मा का दीपक जलता रहेगा तो ये शरीर हमें लाइट का शरीर अनुभव होता रहेगा। तो माया उस लाइट को ऑफ करने का प्रयास करती है, हमें उसको ऑन रखना है। कभी भी ये दीपक बुझे नहीं। एक स्लोगन हमेशा याद रखना है, जहां होगा अंधेरा वहां होगा भूतों का डेरा बसेरा। जहां अंधेरा होता वहीं तो भूत रहते हैं ना। कोई घर पुराना है, 20 साल से लाइट नहीं होती है, वो भूत भूत भूतों का मकान बन जाता है। तो ये भी 5 भूतों का बंगला बन गया था, अभी इन भूतों को भगाना है, लाइट आत्मा की जगाना है। एक बार ब्रह्मा बाबा के साथ का प्रकाशमणि दादी जी अनुभव सुना रही थी कि बाबा मुझे हाथ में हाथ लेकर मधुबन की सैर करा रहे थे, अलग अलग डिपार्टमेंट में ले जाकर बता रहे थे। तो बाबा का हाथ जैसे स्थूल हाथ नहीं लगता था, बाबा का हाथ जैसे लाइट का हाथ है या कॉटन का रुई का हाथ है ऐसा लग रहा था। क्यों? क्योंकि बाबा फरिश्ता स्वरूप में स्थित होते थे, बाबा के शरीर रूपी मकान में निरंतर आत्मा की लाइट जलती रहती थी। जब भी बाबा को मधुबन में कोई जलते चलते फिरते देखते थे, ऐसा लगता था बाबा फरिश्ता ही है। तो कहने का भाव है, आत्मा का अभ्यास हमें बहुत अच्छी तरह से बढ़ाना है। हमारी मंजिल ही है आत्मा की ज्योति सदा जलती रहे। जब समझते हैं ज्योति तो माया भाग जाती, ज्योति समझते ही माया भागने लगती है। तो इसलिए चलते फिरते हमें यह अभ्यास करना है, मैं लाइट हाउस और माइट हाउस फरिश्ता हूं। ये जो हाउस है, शरीर रूपी मकान है, ये लाइट का है, और लाइट का अनुभव करते जाएंगे तो ये माइट का है ऐसा अनुभव हमारा बढ़ता जाता है। 5 तत्वों का स्थूल शरीर है ऐसा अनुभव नहीं होता है, लाइट का शरीर है। 18 जनवरी के दिन ऐसा लगता है मधुबन मधुबन नहीं है, लेकिन भानु दीदी जी क्या लगता है? मधुबन फरिश्तों की दुनिया है। नहीं भाई, देव की बहन जी, सूक्ष्म वतन का फरिश्तों की दुनिया यहां धरती पर मधुबन में अवतरित हो चुकी है। सारे चलते फिरते फरिश्ते ना चलाते, अमृत वेले से लेकर एक बाबा के प्यार में खोए रहते हैं, मौन व्रत धारण करते हैं, स्वयं को लाइट अनुभव करते हैं, ऐसे लगता है सारे फरिश्ते ही फरिश्ते हैं। तो केवल ये हमारी आंतरिक स्थिति को हमें बढ़ाते जाना है।
ठीक है। तीसरी बात, फरिश्ता स्थिति की अनुभूति को बढ़ाने के लिए स्वयं को लाइट अनुभव करना है, डबल लाइट। एक तो आत्मा की लाइट अनुभव करना है और दूसरी लाइट मन हल्कापन अनुभव करना है। लाइट जो हल्की वस्तु होती है वो ऊपर की ओर ऑटोमेटिक जाती है। बलून हाथ में होता है, उसको अगर हम छोड़ते हैं तो वो ऑटोमेटिक ऊपर जाता है। तो कितनी भी बड़ी जिम्मेदारी है, लौकिक जिम्मेदारी है चाहे अलौकिक जिम्मेदारी है, हमें स्वयं को सदा हल्के सदा लाइट अनुभव करना है। उसके लिए क्या करना है? बाबा कहते हैं मुझे जिम्मेदारी का बोझ दे दो, खुद हल्के हो जाओ। क्योंकि बाबा द्वापर युग से देख रहे थे मेरे बच्चे सिर पर इतना टनो इतना वजन बोझ ढो रहे हैं, तो सोचते थे मैं जब धरती पर जाऊंगा बच्चों को मैं सदा लाइट रखूंगा। बाप का तो यही काम है ना, मदद करना बच्चों को। तो हम क्या करते हैं, जिम्मेदारी का बोझ बाबा को दे देते हैं और पुनः उसको वापिस ले लेते हैं और बोझिल अनुभव करते हैं। क्यों लेते हैं? थोड़ा निश्चय में कमी होती है, पता नहीं ये मेरा काम बाबा पूरा करेगा या नहीं, पता नहीं बाबा की मदद मुझे मिलेगी भी या नहीं, ये थोड़ा संशय होता है, उसके कारण उसको वापस लेते हैं। बाबा कहते ठीक है लो, मैं नारा हो जाता हूं। लेकिन बाबा पर पूरा निश्चय रखकर अगर हम कर्म करते हैं, जिम्मेदारी का बोझ बाबा के कंधे पर रखते हैं, तो सदा स्वयं को हल्के अनुभव करते हैं। मैं दादी जी के साथ 30 वर्षों तक रहा मधुबन में, और दादी जी की जीवन को बहुत अच्छी तरह से मैंने बारीकी से देखा। मैंने एक बार दादी जी का इंटरव्यू लेते समय पूछा, दादी जी आप इतना बड़ा यज्ञ का कारोबार संभाल रही हैं, इतने बड़े 6,000-7,000 सेवा केंद्र चल रहे हैं, कितने विघ्न समयपति समय आते हैं, लेकिन मैंने आपके चेहरे पर कभी भी टेंशन कहो या बोझ कहो नहीं देखा। हमेशा छोटे बच्चे की तरह हल्की फुल्की लाइट रहती है, मुस्कुराती रहती है। इसका क्या राज है, मुझे इसका जवाब चाहिए। तो दादी जी ने कहा, पहली बात तो मैं स्वयं को निमित्त समझती हूं, मैं केवल कठपुतली हूं, मैंने अपनी बुद्धि रूपी रस्सी उसके हाथ में दी है, जैसे बाबा नचाते हैं जैसे सेवा कराते हैं मैं करती हूं। करण करावनहार बाबा, मैं केवल करणहार हूं, मैं कुछ नहीं करती, केवल निमित्त हूं, इंस्ट्रूमेंट हूं। इंस्ट्रूमेंट एक चीज होती है और इंस्ट्रूमेंट चलाना वाला दूसरा होता है। तो मैं केवल इंस्ट्रूमेंट हूं, चलाने वाला बाबा है, इसलिए लाइट रहती हूं। और दूसरी बात, मैं हमेशा एक कंधे पर ब्रह्मा बाबा फरिश्ता स्वरूप में अनुभव करती हूं और दूसरे कंधे पर शिव बाबा अनुभव करती हूं। दुनिया के सबसे पावरफुल फोर्सेस मेरे पास हाजिर रहते हैं। कोई भी समस्या आती है, इनकी मदद से वो समस्या चुटकी में पार हो जाती। तो मैं बोझिल क्यों हूं? तो प्रैक्टिकल हमें ऐसा अनुभव करना है। बाबा कहते मुझे यूज करो, मैं कंबाइन रहने के लिए तैयार हूं आपके साथ।
तो तीसरी बात, सदा हल्के रहने के लिए नथिंग न्यू का पाठ हमें पक्का करना है। जो भी दर्श आ रहा है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, कैसा भी दर्श है, हमें कर्मों की फिलॉसफी पता है। अच्छा दर्श है मेरे पुण्य कर्मों का फल है, अच्छा नहीं है मेरे न अच्छे कर्मों का फल है। हम यहां बैठे हैं इस हॉल में, बापू नगर का सारा ग्रुप यहां बैठा है, पहली बार बैठे हैं भाई ऐसे। हाँ दीदी यहां बैठी थी, ये दोनों दीदियां ऐसे अनगिनत बार बैठे थे और अनगिनत बार बैठे हैं। तालियां तो बजाओ भाई। ऐसे ही बैठेंगे, जगह भी नहीं चेंज कर सकते आप। तो नथिंग न्यू है, कोई नई बात ही नहीं है। जब नई बात नहीं है तो फिर बोझिल क्यों है भाई? केवल और केवल रिपीटेशन है। तो सदा हल्के रहते हैं, हल्के अर्थात है लकी, हल्की अर्थात है लकी। जो हल्की रहती है वो वास्तव में लकी आत्मा है, बहुत भाग्यशाली आत्मा है, क्योंकि वो आत्मा उड़ती रहती है बाबा के पास जाकर, शक्तियां खजाने लूटती रहती है और अपने भाग्य को लक को चमकाती रहती है। तो लकी हो गए ना भाई। तो संगम युग में स्वयं को लाइट रखना ये बहुत बड़ी कला है। जितना बिजी उतना इजी, बिजी भी रहना है और इजी भी रहना है, क्योंकि थोड़े समय में हमने कितना भाग्य चमकाना है, इस सारे क्लब के लिए कमाई करना है, तो बिजी भी रहना है लेकिन इजी भी। क्या हुआ, 87 की बात है पुरुषोत्तम भाई जी, 1200 विदेशी ओम शांति भवन में थे, बाबा की मुरली चली, मुरली के बाद बाबा ने कहा कोई प्रश्न पूछना है, तो एक भाई सभा में खड़े होकर, मेरा प्रश्न है बोलो बाबा, हमें सवेरे से लेकर रात्रि तक घोड़े की तरह भागना पड़ता है, लौकिक जिम्मेदारी है, अलौकिक जिम्मेदारी है, सेवा केंद्र की सेवा संभालनी पड़ती है, और सारा दिन भागते हैं दौड़ते हैं थक जाते हैं, अमृत वेले बैठते हैं तो माया को सैल्यूट मारते हैं, नमस्कार, नमस्ते माया, नमस्ते झूले में झूलते रहते, क्या करे बाबा। तो बाबा ने कहा अच्छा, बाबा ने कहा इस दुनिया में सबसे बिजीस्ट व्यक्ति कौन है, ब्रह्मा बाबा से बढ़कर कोई भी बिजी नहीं है, सबसे बिजी रहकर सबसे इजी रहकर कर्म योगी के नंबर वन सैंपल बने हैं, वो आपका बाप है किसी और का नहीं है। अगर आपका बाप ऐसा नंबर वन सैंपल बन सकता है, आप नहीं बन सकते? सुनकर सुनकर लंबी सांस लिया, हो तो सकता है। तो केवल हमें क्या करना है, बाबा को फॉलो करना है, ठीक है। चौथी बात, फरिश्ता स्थिति की अनुभूति को बढ़ाने के लिए स्वयं को एकदम निर्बंधन अनुभव करना जरूरी है, आजाद पंछी। कोई भी रस रूपी रस्सी मुझ आत्मा को बंधी न हो, कोई भी रस रूपी रस्सी मुझे बांधे नहीं, क्योंकि
जो फ्री बर्ड होता है वही फ्लाइंग बर्ड अनुभव होता है। तो सारे दिन भर में हमें दो प्रकार की रस्सियां बांधने का प्रयास करती है, व्यक्ति के तरफ आकर्षित होना या वस्तु के तरफ आकर्षित होना, ये दो प्रकार की रस्सियां बार बार हमें बांधने का प्रयास करती है। व्यक्ति के तरफ आकर्षण होता है कोई बात नहीं, उसको चेक करो कौन सा ये संबंध है, कौन सा ये रिश्ता है। माताएं बहुत बैठी हैं यहां, भाई भी है लेकिन माताएं जास्ती है। भाई माताओं में विशेष कमी कौन सी होती है? हाँ जी, सारे गीता का ज्ञान एक ही शब्द में, नष्ट मोहा और स्मृति लब्धा। भाइयों में अहंकार होता है, मैं बड़ा हूं, और बहनों में मोह होता है। तो मोह को जीतना बहुत सूक्ष्म है, इस सूक्ष्म धागा आत्मा को बांधने का प्रयास करता है। तो कोई ऐसा रिश्ता हमें खींचता है तो वो विशेष रिश्ता हमें बाबा के साथ अनुभव सूक्ष्म वतन में करना है, यहां से बुद्धि योग तोड़ना है, बाबा से जोड़ना है। फरिश्ता, फर्श वासियों से रिश्ता नहीं, सारे रिश्ते अर्शवासी परमात्मा के साथ अनुभव करना, उसको कहते हैं फरिश्ता। सारे रिश्ते हमें बाबा के साथ अनुभव करना है, कारण क्या है बताओ? एक तो कारण यह है कि कोई हमें रिश्ता खींचे नहीं है, कोई रस्सी हमें बांधे नहीं। दूसरा कारण कौन सा है बताओ? क्यों जरूरी है सर्व संबंध अनुभव करना बाबा के साथ, भगवान के साथ? हैं जी, कुछ गहरा जवाब दो, गहरी बात बताओ, कुछ राज बताइए। हैं जी, 84 जन्मों में हमें अलग अलग रोल मिलने वाले हैं। जो भी रोल मिलेंगे वो रोल हमें बजाना होगा, लेकिन वो रोल बजाने का पाठ आत्मा में कैसे भरेंगे? बाबा के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति के द्वारा आत्मा में वो भरते हैं संगम युग में, और सारे कल्प में वो रोल हम बजाते हैं। इसके लिए ये जरूरी है। गाय का बछड़ा जन्म लेते ही स्तन के पास दूध पीने के लिए दौड़ता है, कोई उसको ले जाता है? क्योंकि संस्कार है। तो इसलिए सारे रिश्ते हमें बाबा के साथ अनुभव करने हैं। बाबा में वो क्षमता है, बाबा सर्व प्राप्तियों के भंडार हैं, सर्व रसों के भंडार हैं, सर्व खजानों के भंडार हैं, सर्व संबंधों की स्क्रीन है। बाबा का गायन है पा रस नाथ, वही एक ऐसा नाथ है जिससे सर्व संबंधों का रस प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए वो रस हमें अनुभव करना है। जब आत्मा सर्व रसों से भरपूर होती है तो इधर उधर भटकती नहीं है बुद्धि हमारी, सर्व प्राप्तियों का भंडार में हमें मिला है, सब प्राप्तियां उसी से हम कर रहे हैं, तो हमारी बुद्धि इधर उधर जाएगी ही नहीं। वस्तु, कोई बहुत अच्छी वस्तु है, बार बार बुद्धि हमारी उसमें जाती है। इसलिए बाबा कहते कोई भी अच्छी वस्तु नहीं रखना है, ट्रस्टी होकर संभालना है, अगर है भी तो। उसके लिए एक युक्ति बहुत अच्छी है, मुझे यहां से घर वापस जाना है। ये बात अगर बुद्धि में फिक्स होगी तो मुझे यहां से जाना है, फिर जाना ही है तो यहां की वस्तुओं से क्या मोह लगाना है? कोई भी अच्छी तो अच्छी वस्तु सतयुग में जाना नहीं है, विनाशी चीज है, अल्पकाल की चीज है, सोना भी है तो भी सतयुग का सोना और इस सोने में बहुत अंतर है।
वो सतोपदान है, ये तो तमोपदान है ना। तो वस्तु के तरफ भी हमारी बुद्धि न जाए और व्यक्ति के तरफ भी बुद्धि न जाए, एकदम आजाद पंछी, स्वतंत्र पंछी अनुभव करना है। और पांचवी बात है, संपूर्ण फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करने के लिए अपना संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप हमें सामने रखना, अपना खुद का। वो कैसा है भाई? उसका आकार इसी शरीर जैसा ही है, केवल अंतर है ये स्थूल शरीर है और वो सूक्ष्म शरीर है, लाइट का शरीर है, अंतर इतना ही है, आकार यही है। और तीन बातों की संपन्नता उसमें है, ईश्वरीय नशे से संपन्न है, ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न है और ईश्वरीय गुणों से संपन्न है। ये तीनों बातों की संपन्नता उसमें होती है, ईश्वरीय नशे से, ईश्वरीय शक्तियों से और ईश्वरीय गुणों से। और दूसरी बात, फरिश्ता जो होता है उसको बहुत सुंदर दिव्य प्रकाश का आभा मंडल, पवित्रता का ताजधारी वो होता है। और तीसरी बात, उसकी बुद्धि रूपी तार परम धाम में ज्ञान सुरेश शिव बाबा के साथ निरंतर जुटी रहती है। तो ऐसा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप हमें अपने सामने इमर्ज करना है, ये मेरा फरिश्ता स्वरूप है और ये फरिश्ता स्वरूप मुझे सेखेंड करना चाहता है। लेकिन एक शर्त है, जब मेरे जैसा बनोगे तब मैं आपको सेखेंड करूंगा। गेट पर, मेन गेट पर आपकी कोई इंतजार कर रहा है, मैसेज मिला आपको, यहां चैन से नहीं बैठ सकती, बुद्धि वहां जाएगी, वहां मां मुझे जाना है, मिलना है। तो मेरा फरिश्ता स्वरूप मेरी इंतजार कर रहा है, ऐसा हम अनुभव करते हैं तो पुरुषार्थ में तीव्रता आती है, मुझसे इनके जैसा बनना है। और कई बार हम देखते हैं कोई ऐसा पकड़ने लगा, ये व्यक्ति कितना साधारण काम कर रहे लेकिन कितनी महान विभूति है ये। तो कर्म भले साधारण हो लेकिन स्थिति हमारी असाधारण हो, बहुत ऊंची हो, महान हो, क्योंकि हमारी जो आंतरिक स्थिति होती है, हमें कोई देखता है तो देखने वाले के मानस पटल पर उसका रिफ्लेक्शन होता है। 87 में बाबा मधुबन निवासियों से मिल रहे थे, बाबा कहते हैं मधुबन में आप क्या करते हो, सिंपल तो काम करते हो, भोजन बनाना, झाड़ू लगाना, तो कपड़े धोना, ये तो सिंपल काम है, लेकिन काम भले साधारण हो, कोई आपको खिड़की से देखे, दरवाजे से देखे तो उनको साक्षात्कार हो, ये मोहनहार देवता है, ये फरिश्ते हैं। उसके लिए आपको आंतरिक स्थिति को बहुत ऊंचा मेंटेन करना है। कर्म भले साधारण करो लेकिन स्थिति बहुत ऊंची, आंतरिक स्थिति ऊंची हो, समझा? क्योंकि बाबा ने कहा जैसे आदि काल में पाठ साक्षात्कार का था, ऐसे अंतिम समय साक्षात्कार का पाठ दोहराना है। सभी बाबा के बच्चों को साक्षात्कार दुनिया वालों को होगा, क्योंकि लोग जब प्रॉब्लम में होते हैं तो वो क्या सोचते हैं, कोई फरिश्ता उड़ के आ जाए, कोई फरिश्ता उड़ के आ जाए और मुझे इस समस्या से निकाल के चला जाए, क्योंकि भगवान का परिचय उनको नहीं है, वो फरिश्ते कैसे जाएंगे भाई।
तो हमारा शरीर भले कहीं पर भी हो, लेकिन हम अपने फरिश्ता स्वरूप के द्वारा विश्व के ग्लोब पर भ्रमण करेंगे और जहां जाना है, आवश्यकता है, वहां उन आत्माओं को शांति शक्ति देंगे, तो वो हमें दुआएं देंगे। थैंक यू, थैंक यू। बहुत अनाप शनाप कमाई करने का आपको चांस मिलेगा। फरिश्ता स्वरूप के सेवा करने के लिए कोई लिमिटेशन नहीं, कोई बाउंड्रीज नहीं है। ये मेरा एरिया है, आप नहीं आ सकते इस एरिया में, कोई एरिया का बाउंड्रेशन नहीं है। सारे विश्व में वो फरिश्ता घूम सकता है, जहां चाहे सेवा कर सकता है, जितनों की चाहे दुआएं प्राप्त कर सकता है, समझा। लेकिन समय आने के पहले हमें ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाना है। बहुत थोड़े समय के बाद आप देखना, केवल मनसा सेवा, फरिश्ता स्थिति के द्वारा सेवा हमें बहुत करनी होगी। इसलिए बाबा ने स्पष्ट इशारा दिया है, अभी फरिश्ता स्थिति के संस्कार इमर्ज करो। हम सभी ने, बाबा के बच्चों ने फरिश्ता स्थिति को हर कल्प अनुभव किया है और फरिश्ता स्थिति के द्वारा मानवता की सेवा की है। उसकी यादगार विदेशों में एंजल्स के रूप में है और भारत में परियों के रूप में है। हमारी यादगार है वो, केवल हमें उसको दोहराना है, ठीक है ना। तो ऐसी श्रेष्ठ स्थिति आपको बनाना है अपने कर्म क्षेत्र पर रहते हुए। आप घर में हैं, दार में हैं, ऑफिस में हैं, किचन में हैं, कहीं पर भी है, आपको तीन प्रयोग बार बार करते जाना है। गारंटी है आपकी फरिश्ता स्थिति आगे बढ़ती जाएगी। हमें योगी के साथ प्रयोगी बनना है। हम प्रयोगशाला में हैं। पहला प्रयोग क्या करना है, मोज निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने ये स्थूल शरीर धारण किया है और स्थूल जमीन पर मैं चल रहा हूं, आपका अनुभव बहुत साधारण होगा। एक तरफ रखो कॉन्ट्रास्ट करने के लिए। फिर अपने स्मृति का स्विच थोड़ा सा घुमा दो और श्रेष्ठ स्मृति को मेंटेन करो, और दूसरा प्रयोग करो, मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने लाइट की शरीर धारण किया है और लाइट के जमीन पर चल रहा हूं, बहुत हल्का फुल्का होकर चलेंगे और देखने वाला आपको लाइट का फरिश्ता ही अनुभव करेगा। तीसरा प्रयोग, मोज निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने रुई का शरीर, कॉटन का शरीर धारण किया है और कॉटन के रुई के जमीन पर चल रहा हूं, बहुत हल्के फुल्के होकर चलेंगे, देखने वाला फरिश्ता ही अनुभव करेगा। ये केवल हमें प्रयोगी बनना है अपने कर्म क्षेत्र में ही। आपकी स्थिति बढ़ती जाएगी। संपूर्ण फरिश्ता अर्थात मोज आत्मा ने 100% लाइट का शरीर धारण किया है, इसको कहते हैं संपूर्ण फरिश्ता स्थिति। हम अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे ये लाइट का शरीर अनुभव करने का अभ्यास बढ़ता जाएगा। मुझ आत्मा ने 40% लाइट का शरीर धारण किया है, फिर बढ़ता जाएगा 60% लाइट का शरीर धारण किया है, फिर बढ़ता जाएगा। अभ्यास करते करते 100% लाइट का शरीर धारण किया है और 0 स्थूल शरीर का भान होगा, तो संपूर्ण फरिश्ता स्थिति हमारी अनुभव होती जाएगी। ये हमारी मंजिल है जहां हमें पहुंचना है। और नुमा शाम के समय इसका अभ्यास बढ़ाना है। क्या कहते हैं, नुमा शाम के समय देवताएं वातावरण में भ्रमण करते हैं। अभी कहां से देवता है भाई, अभी कहां से देवता है। तो ये ब्राह्मण सो फरिश्ता, और ये जो फरिश्ता सो देवता बनने वाले हैं, ये फरिश्ते वो नुमा शाम के समय भ्रमण करते हैं, तो उसका अनुभव दुनिया वाली आत्माओं को भी होता रहता है।
ठीक है ना, हमने ये अभ्यास किया है, बहुत इसकी अनुभूति को बढ़ाना है, साक्षात्कार की धूम मचेगी और सेवा करने का गोल्डन चांस भी हमें बहुत मिलेगा। समझा? हर एक फरिश्ता अनुभव करेगा, उतना ही है परसेंटेज, लाइट रिफ्लेक्ट करने का अलग अलग होगा। जैसे 40% 40 वोल्टेज का बल्ब होता है, फुल लाइट देता है, उसकी 40 क्षमता है। 80% वोल्टेज का बल्ब फुल लाइट देता है, उसकी कैपेसिटी कितनी है? 80% है। ऐसे ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा तो 100 के ऊपर है, ब्रह्मा बाबा 99 है, और उसके नीचे सबकी डिग्रियां है संपूर्णता के। वहां हमने पहुंचना है। समझा? इसलिए बार बार देखो, आपको मधुबन में रहने का चांस मिला है, इस सबसे पावरफुल इस भूमि है, इस ग्लोब पर सबसे पावरफुल भूमि है। कुछ श्रेष्ठ कर्मों का फल पूंजी आपके पास है, इसलिए आपको यहां ऐसा रहने का और साधना करने का गोल्डन चांस मिला है। हमारी दीदियों का पुरुषार्थ तो है, उनकी मेहनत तो है, लेकिन आपका भी पुण्य कर्म है उसमें। तो यहां हमें अनुभव बढ़ाना है, अनुभवी बनना है, चलते फिरते फरिश्ता हूं मैं, निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा हूं। जो भी अनुभव करना है, बीज रूप स्थिति का अनुभव, अमृत वेले पावरफुल ज्वाला स्वरूप योग का अनुभव, बहुत अच्छी तरह से अनुभूतियों की खान हमें अनुभव करना है और वो हमें साथ ले जाना है, जिससे हमारे पुरुषार्थ में तीव्रता आती है। मधुबन में आपको चांस मिला, किसलिए मिला? जो अपने अनुभव करे है, यहां किए हैं, उस अनुभव के आधार से पुरुषार्थ में ऑटोमेटिक तीव्रता आती है, इसलिए ये गोल्डन चांस आपको मिला है। ठीक है ना? तो इसकी हम बहुत सुंदर अनुभूति अभी करने जा रहे हैं। करने जाएंगे भाई? करना चाहते हैं ना? थोड़ी तालियां बजाएंगे जरा। उधर आवाज जा रहा है, उधर शांति है ना। चलो अभी चुस्त और मस्त होकर हम आधा घंटा अपनी दुनिया में खो जाएंगे, अपनी मस्ती में। म्यूजिक चाहिए या बिना म्यूजिक चलेगा, बताइए दीदी लोग? ऐसे ही म्यूजिक बिना? वही म्यूजिक बिना ना, म्यूजिक बिना। ठीक है, सभी थोड़ा चुस्त हो गए, बहन जी म्यूजिक के बिना है। चलो सभी अलर्ट होके बैठेंगे। ये मास्क वास्क निकालो ना, क्या कौन यहां देख रहा है आपको? कोई आप ट्रैवलिंग थोड़ी कर रहे हैं, वहां अहमदाबाद में पुलिस खड़े होते हैं। ये थोड़े समय के लिए निकालो, या तो नीचे करो ऐसा, वो सांस अटकती है ना। चलो सभी बाबा के पास। ओम शांति। इस शरीर रूपी चैतन्य मकान में मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा मकान मालिक, भृकु
कोटि के मध्य, आंखों रूपी खिड़कियों के पास विराजमान हो। मैं आत्मा मकान मालिक, पवित्र स्वरूप हूं, पवित्रता का दिव्य और भव्य ताज, उस आत्मा ने धारण किया है। भगवान की नजरों में आई हुई मैं भाग्यवान आत्मा हूँ। दिव्यता का सुंदर आभा मंडल, मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा के चहुओर अनुभव हो रहा है। ये देह तो मेरा मकान है, यह देह तो मेरा वस्त्र है, यह देह तो मेरा साधन है, मेरा असली स्वरूप निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। जैसे मेरे पिता निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है, वैसे मैं आत्मा उनकी संतान भी। निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा, देह से न्यारी होकर दिव्य बुद्धि रूपी विमान में बैठकर फरिश्तों की दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूं। इस विश्व के गोले से पार चंद्र, सूर्य, गण से भी पार उड़ती हुई जा रही हूं, जा रही हूं। फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गई हूं, जा चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्र
प्रकाश ही प्रकाश, पवित्रता ही पवित्रता है। मोस निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने बहुत सुंदर दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है। कितनी हल्की फुल्की ड्रेस है यह, मेरे हरेक कर्मेंद्रिय से दिव्य प्रकाश की किरणें चारों ओर फैल रही है। फरिश्तों के शहंशाह प्यारे ब्रह्मा पापा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मेरे अति प्यारे अति मीठे शिव बाबुल भी उनके भ्रुकुटी में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्नेह के सागर बाबा मज फरिश्ते को अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे है। स्नेह सागर की लहरें ब्रह्मा बाबा के नेत्र मार्ग से मस फरिश्ते की ओर प्रवाहित हो रही है। मैं फरिश्ता स्नेह सागर की लहरों में बाबा की बाहों के झूले में झूल रहा हूं, झूलता ही जा रहा हूं। झूलते झूलते बाबा की बाहों में समा गया हूं। बाबा के नैनों में स्नेह के मोती चमक रहे हैं। सिकिला दे बच्चे, मैं बेहद खुश हूं। मैंने अपना खोया हुआ लाल 5,000 वर्षों बाद पाया है। मैं बेहद खुश हूं। प्यारे बच्चे, अभी अपने फरिश्ता स्वरूप के द्वारा विश्व भ्रमण करते हुए बेहद की सेवा पर जाओ। मैं फरिश्ता
हनुमान की तरह, विमान की तरह विश्व के ग्लोब पर भ्रमण कर रहा हूं। एक तरफ परम धाम से ज्ञान सूर्य परमात्मा की किरणें शक्तियों की मोहस फरिश्ते पर पड़ रही है, और दूसरे तरफ मेरे माध्यम से शक्तियों की किरणें विश्व के ग्लोब पर अनेक आत्माओं रूपी चैतन्य सितारों पर पड़ रही है। मैं फरिश्ता इस नुमा शाम के समय विश्व के भ्रमण पर निकला हूं, एक खंड के बाद दूसरे खंड के ऊपर भ्रमण कर रहा हूं। भ्रमण करता ही जा रहा हूं, अनेक आत्माएं सुकून अनुभव कर रही है। रिटर्न में मुझे दिल की दुआएं भी दे रही है। सारे विश्व के ग्लोब पर चक्कर लगाते लगाते मैं फरिश्ता पुनः बाबा के समक्ष आकर विराजमान हो चुका हूं। बाबा मुझे शक्तिशाली दृष्टि से नजर से निहाल कर रहे हैं। मैं फरिश्ता बाबा की दृष्टि से अथाह शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रहा हूं। बाप दादा मुझे अकेले को पर्सनली पालना दे रहे हैं, शक्तिशाली दृष्टि से शक्तियां प्रदान कर रहे हैं। कितना प्यारा अनुभव है यह। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा पुनः बुद्धि रूपी विमान में बैठकर निराकारी दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूं, जा रही हूं। ओहो, निराकारी दुनिया में पहुंच गए हूं। कितनी सुंदर, न्यारी, प्यारी, निराकारी दुनिया यह। चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल, सुनहरी लाल ही लाल, दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है, शांति ही शांति, परम शांति है। कितना प्यारा घर है यह मेरा।
परम धाम, मेरा मूल वतन, मेरा स्वीट साइलेंस हो। मेरे प्राणों की प्राण, मेरे प्राण नाथ, मेरे प्राण आधार, प्राण प्यारे, प्राण पिता, सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे शिव बाबल, मेरे समक्ष विराजमान है। मैं आत्म ज्योति बाबा की सुंदर छवि को दिव्य नेत्र से निहार रही हूं, उनकी सुंदरता का आनंद ले रही हूं। बाबा मेरे नैनों के नूर बन चुके हैं, मेरे दिल की दुनिया में, मेरे दिलवर, मेरे दिलाराम, बाबा ही बाबा है, बस बाबा ही बाबा है। बाबा, बाबा, मैं आत्मा दुख के सागर में गोते खा रही थी, चिल्ला रही थी, छटपटा रही थी, और हे रहम के सागर बाबा, आपने मुझे दुख के सागर से निकाल कर अपने दिल तक तपर, अपनी शीतल गोद में बिठा दिया। बाबा, मेरी जन्म जन्मांतर की थकान मिट गई। बाबा, बाबा, जो उपकार आपने मुझ पर किया है कोई और नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत हैं, हजारों सूर्यों से शक्तिशाली है, शक्तियों के सागर ज्ञान सूर्य शिव पिता से बेहद शक्तिशाली किरणों की बरसात निरंतर मुझ आत्म ज्योति पर हो रही है, होती ही जा रही है। मैं आत्म ज्योति ज्ञान सूर्य परमात्मा से अनंत शक्तियां, असीम शक्तियां, प्रचंड शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं, ग्रहण करती ही जा रही हूं। योग की प्रखर अग्नि में मेरे जन्म जन्मांतर के पाप पल भर में
भस्म हो रहे हैं, भस्म होते ही जा रहे हैं। मैं आत्म ज्योति स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूं। इतने विशाल परम धाम में मैं आत्म ज्योति, ज्योति सागर, महा ज्योति, परम ज्योति शिव पिता से महा मिलन, मंगल मिलन मना रही हूं। सचमुच मेरे जीवन के सबसे खुशनुमे पल है यह, सुनहरे पल है यह, जो मैं आत्म ज्योति डायरेक्ट भगवान के सानिध्य में स्वयं को अनुभव कर रही हूं। भाग्य विधाता से भाग्य लूट रही हूं, लुटा रही हूं। वारे में वहां मेरे बाबा, वहां मेरा भाग्य, बाबा मेरे बेस्ट कंपेनियन है, बाबा की कंपनी में परम सुख की, परम आनंद की अनुभूति हो रही है। दिल कहता है इसी गहन अनुभूति में मैं आत्म ज्योति खोई रहूं, डूबी रहूं, समाई रहूं। शक्तियों से भरपूर आत्मा, निराकारी दुनिया से बुद्धि रूपी विमान में बैठकर वाया सूक्ष्म वतन, इस आकारी दुनिया की ओर वापिस आ रही हूं और पुनः इस शरीर रूपी चैतन्य मकान में भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर स्वमान के सिंहासन पर मैं आत्मा विराजमान होकर स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति कर रहा हूं। महज शक्तिशाली आत्मा से, आत्मा राजा से, शक्तियों की सजीव तरंगे चारों ओर इस वायुमंडल में फैल रही है। इस वायुमंडल को प्रकंपित करके शक्तिशाली बना रही है। मेरे मस्तक पर मस्तक मणि आत्मा चमक रही है। मस्तक मणि आत्मा से अष्ट शक्तियों की चमक चारों फैल रही है, फैलती ही जा रही है। डायरेक्ट परम धाम से शक्ति
शक्तिशाली किरणों का फाउंटेन, मुझ आत्म ज्योति पर पड़ रहा है। मैं आत्म ज्योति शक्तियों के किरणों के फाउंटेन के नीचे नहा रही हूँ, स्वयं में शक्तियां भर रही हूँ। मैं हूं देव से न्यारा, केवल एक चमचमाता हुआ दिव्य सितारा। यह पांच तत्वों का शरीर इन पांच तत्वों में समा रहा है। मैं केवल एक चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं। ओम शांति।